नमस्कार किसान भाई, राम कला क्षेत्र प्रतापगढ़ ब्लॉक में सबका स्वागत है। आज किसान भाई हम बात करने वाला, आप देख पाएंगे मक्का की बुआई किया गया है, तो हम किसान से जानते हैं ये कौन सी वैरायटी है और कब इसकी बुआई किया गया था और कितना दिन में ये तैयार होता है, पैदावार कैसा है और विश्वा में कितना बीज लगता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर ही बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन को सवाल सुझाव है नीचे कमेंट जरूर, नाम बता दीजिए। सोनल कुमार सिंह, ग्राम पोस्ट भदोही, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश ना जी। तो मक्का की बुआई किस महीने में किए थे आप? हमने ये 28 अप्रैल को बुआई करी थी। आज लगभग कितना दिन हुआ होगा? अब आप समझ लीजिए, आज मई और जून बीत गया, तकरीबन 64 दिन होने को आया है। ये वैरायटी कितना दिन की रहती है? ये वैरायटी रहती है 3.5 महीने की। 3.5 महीने कट जाती है, अगर आप पूरा पकाना चाहेंगे तो कट जाएगी, अगर आप इसको मंडी में लेके जाना चाहेंगे, हरी मक्की अगर लेके जाना चाहेंगे तो आप 3 महीने में खेत खाली कर सकते हैं। थोड़ा दिखा दीजिए इसमें फल वगैरह, अभी बाली बैठ रही है, बाली बैठ रही है ना जी जी। तो किसान भाई आप देख पाएंगे यहाँ पर बाली भी बैठना चालू हो गया है। तो ये विश्व पीछे कितना बीज लगता है? मानक जो बीज भंडार के सहायक हैं वो बताते हैं 500 ग्राम, लेकिन हम 400 ग्राम का मानक मानते हैं और अब जो बुआई होगी वो 300 ग्राम की बुआई होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अब टेम्परेचर बरसात बराबर रेगुलर हो सकती है, नहीं भी होगी तो भी टेम्परेचर कुछ हद तक अप्रैल और मई की अपेक्षा कम हो जाता है, तो इसमें जितना दूर दूर तक पेड़ रहेगा उतनी बढ़िया बालियाँ बैठती हैं। अच्छा, यानी कि बारिश के मौसम अगर बुआई करना है तो बीज कम रहेगा, तो क्योंकि बीज जमाव अच्छा ले लेता जी, है ना जी। जब गर्मी के सीजन में बुआई करते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा जी 100 ग्राम विश्व के हिसाब से बीज ज़्यादा लगता है। तो वैरायटी कौन सी है? बायोसीड की है। बायोसीड पहली बार बुआई किए हैं कि पहले करते थे? मैं हमेशा करता हूँ। पैदावार में कैसा है? पैदावार ठीक है, बढ़िया है जी, पैदावार बढ़िया है। हाँ, इतना होता है जब गर्मी ज़्यादा रहती है तो इसके जो दाने हैं वो थोड़े छोटे आकार में हो जाते हैं, और जब गर्मी अब जो तैयार होगा उसके दाने परफेक्ट रहेंगे। जो पहले हमने अभी वो देखी, पीछे आप देख सकते हैं, वो हमने मार्च में बुआई करी थी, वो कटाई करके हार्वेस्ट करके उसको, वो पीछे वो जो जुताई किया गया जी जी, ये मक्का की बुआई हो गई उसमें? हाँ, उसमें बुआई हो के कट के वापस बुआई हो चुकी है, दोबारा बुआई कर दी है जी जी। ये कितनी तारीख बुआई किए थे? ये आज हो गया एक सप्ताह जी। इसमें पौध निकल रहे हैं कि नहीं अभी? हाँ, निकलना शुरू हो गए। ये कौन सी वैरायटी है? वही सेम वैरायटी, यही वैरायटी आप कई वर्षों से जी 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 कर रहे हैं जी। पैदावार वगैरह रोग वगैरह कोई लगता है इसमें ज़्यादातर? नहीं, रोग नहीं लगता, बस 1-2% तो आप समझिए कीड़े कहीं ना कहीं पेड़ को नुकसान पहुँचा ही देते हैं। इसे देखिए, ये तोरी है, यहाँ बोए हुए हैं, तोरी बोया गया जी। ये मक्का पौधा कौन सा है? ये सब मक्के के पौधे हैं। तो किसान भाई देख पाएंगे यहाँ पर मक्का जो पौधा है निकल भी रहा है, सारे मक्के के पौधे। तो किसान भाई हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक किसान भाई वीडियो वॉच करने के लिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।